नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटिन्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये स्टेटिन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज के समय में स्टेटिन्स का यूज यंग और एडल्ट पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये स्टेटिन्स कैसे शरीर में काम करती हैं, इनको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके क्या क्या इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटिन्स हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने वाली दवा होती है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हृदय के बीमारी, ब्लड प्रेशर, एंजाइना और आपका स्ट्रोक हो सकता है, या और भी दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकता है। इन सब बीमारियों के खतरों को टालने के लिए जो उपयोग की जाने वाली दवा होती है उन्हें स्टेटिन्स कहते हैं। इन्हें लिपिड लोवरिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब लिपिड लोवरिंग एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, वरना ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होता है, क्योंकि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को बनाता है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स और विटामिन डी इनको बनाने में इसका योगदान होता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर में फैट बनाता है और मांसपेशियों को इम्प्रूवमेंट करता है, शरीर में ताकत का भी एक सोर्स की तरह ये रहता है। लेकिन जब इसकी आवश्यकता से अधिकता हो जाती है तब इसमें ये खतरे पैदा करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है? ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, जो भी हम फैटी चीजें खाते हैं उससे ये एब्जॉर्ब करता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस होते हैं, जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं उस वजह से लीवर में भी इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो वर्कआउट कम करते हैं, तो ये सब जो कारण होते हैं इसके कारण आवश्यकता से अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल जो नॉर्मली इनिशियल स्टेज में कई बार कोई सिम्टम्स भी नहीं पता चलते हैं और लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, कई बार लोगों को रेंडमली चेकअप कराने पर पता चलता है डॉक्टर्स द्वारा टेस्ट कराने पर कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद अगर नॉर्मल रहता है तो फिर उनको लिपिड लोवरिंग एजेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं, लाइफस्टाइल सही नहीं है, वर्कआउट नहीं है, इसके अलावा डिप्रेशन है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, सही ढंग से खान पान नहीं है उनका, ऐसे लोगों में काफी रिस्क होते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर को देखते हुए डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में उनके हार्ट की कंडीशन को देखते हुए कोई खतरा तो नहीं है, उनको स्ट्रोक तो नहीं आएगा, अटैक तो नहीं आएगा, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज बनने का खतरा तो नहीं है। अगर ये चांसेस उनको दिख रहे हैं उस स्थिति में ये लिपिड लोवरिंग एजेंट्स यानी कि स्टेटिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब ये लिपिड लोवरिंग एजेंट जो स्टेटिन्स कहलाती हैं, ये कैसे काम करती हैं? तो ये जो एक मेवलोनेट पाथवे होता है, यानी कि एक एंजाइम होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम HMG को रिडक्टेज कहते हैं, इस एंजाइम को ही ये स्टेटिन्स ब्लॉक कर देती हैं। तो जब एंजाइम ब्लॉक कर देती है तो कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा ही नहीं तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो यूज हो जाएगा बॉडी में और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये क्या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हमेशा जिंदगी भर खानी पड़ती है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहें तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आप बंद भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको जीवन भर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखना होगा। उसके लिए आवश्यक है कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते समय अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, वर्कआउट बढ़ाएं और डॉक्टर के साथ टच में रहें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है तो आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से, किसी क्रॉनिक डिसीज के चलते, कुछ भी रीजन है, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल से ज्यादा है, उस स्थिति में आपको ये दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। और अगर ये मेंटेन नहीं हो पाता है जिंदगी भर, तो आपको जिंदगी भर ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेनी पड़ सकती है। कैसे डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है? इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कि एवरेज 12 आवर्स की फास्टिंग यानी कि खाली पेट सुबह इसको टेस्ट किया जाता है, कम से कम 12 घंटे से पेट में कुछ नहीं हो, उस स्थिति में ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, जिसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL, ये इन सब की जांच की जाती है, और इनके नॉर्मल वैल्यू से अगर ज्यादा आ रहा है
काफी ज्यादा आ रहा है तभी डॉक्टर्स आपको स्टेटिंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्या होता है, इनका नॉर्मल लेवल हम जान लेते हैं, तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो 200 mg/dL से कम होना चाहिए। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो HDL होता है वो आपका 60 से ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये स्ट्रोक के खतरे को कम भी करता है। वहीं पर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये आपका 100 से कम होना चाहिए, 100 mg/dL। और जिनको डायबिटीज है उनको तो 70 से ही कम होना चाहिए। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनको देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको स्टेटिन की आवश्यकता है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे है तब आपको डॉक्टर तुरंत स्टेटिन हो सकता है प्रिस्क्राइब ना करें, आपको एडवाइस देंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशन करिए, वर्कआउट बढ़ाइए, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है तो हो सकता है आपको आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं होता है उस स्थिति में आपको एनी हाउ स्टेटिंस लेना आवश्यक है क्योंकि आपके हृदय से संबंधित खतरे बढ़ा सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज बन सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है। तो इन खतरों को टालने के लिए ये फिर स्टेटिंस लेना आवश्यक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये स्टेटिंस कितने टाइप के होते हैं और इनका चुनाव डॉक्टर कैसे करते हैं। तो ये स्टेटिंस लिपिड लोअरिंग एजेंट्स आपकी बीमारी की गंभीरता और आपके जोखिम क्या है, रिस्क फैक्टर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं, जो कि कई तरह की होती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली दो स्टेटिन्स हैं, जो कि एटोरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन, फ्लुवास्टेटिन्स, प्रेवास्टेटिन्स, सिम्वास्टेटिन्स और लोवास्टेटिन, ये स्टेटिन्स होती हैं ज्यादातर की यूज में आती हैं, जिनमें कि एटोरवास्टेटिन और रोजवास्टेटिन सबसे ज्यादा डॉक्टर्स द्वारा यूज किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्टेटिन्स लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आमतौर पर सभी को थोड़ा बहुत फील होते हैं वो हैं हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, और जो कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि ज्यादातर लंबे समय तक उपयोग करने के बाद डेवलप होते हैं, तो उनमें जो ये साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं उनमें है मसल डैमेज हो सकता है, आपकी मसल वीकनेस हो, आपका लीवर डैमेज हो सकता है अगर लंबे समय तक उपयोग किया, या फिर कुछ लोगों में ये Type 2 diabetes डेवलप कर सकता है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म यूज करने पर जो साइड इफेक्ट देखे जाते हैं ये इसमें आते हैं। तो ये थी सारी जानकारी स्टेटिन्स के बारे में और स्टेटिन्स के साइड इफेक्ट से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।